और दो पैंट्स, एक कोट और सफाई सूट भी रखती। और कुछ भाई? तुम जानो और मेरा डैडी जाने। ये ढूंढ क्या रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं? पासपोर्ट और टिकट। पासपोर्ट और टिकट के बगैर मुझे लंदन कोई नहीं जाने देगा। अंदर आपका पासपोर्ट और आपका टिकट जो है ना, इस सूटकेस के ऊपर वाले खाने में मैंने रख दिया। अच्छा। और साथ में एक हिदायतनामा भी है। हिदायतनामा? जी हाँ, हिदायतनामा है शौहर। लंदन में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, आपने घूमना फिरना नहीं, बाहर नहीं निकलना। क्या बात कर रही हो भाई? भाई कॉन्फ्रेंस जो है वो बाहर होगी। अगर मैं होटल से बाहर नहीं जाऊंगा तो कॉन्फ्रेंस अटेंड कैसे करूंगा? मेरा मतलब है अमजद कि आपने आवारा गर्दी नहीं करनी। लंदन का माहौल बहुत बुरा है, बहुत औरतें होती हैं वहां। लाहौल वाला कुवत आ गया भाई। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक औरत है, थी और रहेगी, और वो औरत है मेरी बीवी आलिया। क्योंकि तुम दुनिया में सिर्फ एक हो, बाकी अल्लाह ताला ने कोई और नहीं तुम्हारी जैसी भेजी। अच्छा, और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीधा 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 यहाँ पे आना है, आपने फ्रांस नहीं जाना है। फ्रांस? हाँ भाई, मैं फ्रांस क्यों जाने लगा? मैंने सुना आपकी खाला रहती है फ्रांस। हाँ रहती तो है। तुम्हें बता दिया, मेरी वो खाला बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमीर है। इतनी सादा कि उनको देखकर अंदाजा ही नहीं होता कि उनको बस इतनी दौलत है, और दौलत इतनी बेइंतहा, नो अंदाजा। ओह अमजद, मैंने आपका आफ्टर शेव इसमें रखा ही नहीं, मैं अभी लेके आती हूँ। और आप ऐसा करें कि अपने सारे जरूरी कागज जो है ना वो समेट लें, फिर ना कहना कि यहाँ रह गए। ओके ओके ओके। वैसे तो मैंने सारे जरूरी कागज रख लिए, नहीं रखे। सबसे जरूरी कागजात तो मैंने संभाला ही नहीं, यानी कि मेरा मोहब्बत नामा। और अगर वो आलिया के हाथ लग गया तो क्यामत आ जाएगी। अब वैसे भी आलिया को इधर उधर हाथ मारने की बहुत बुरी आदत है बेटे, संभाल ले वरना तेरी अजबाती जिंदगी जो है वो खराब हो जाएगी। मैंने लव लेटर किधर रखा था? हेलो खाला जान। वालेकुम सलाम जी, मैं अमजद बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? खाला जान, मैं और आलिया आज आपका जिक्र कर रहे थे। जी जी, आलिया बिल्कुल ठीक ठाक है। जी जी बहुत अच्छी, आप उसे मिलेंगी तो आपको बहुत खुशी होगी। क्या आप कराची आ चुकी हैं और यहाँ आ रही हैं? वेरी गुड। लेकिन खाला जान मैं तो आज लंदन जा रहा हूँ। चले कोई बात नहीं, आलिया आपको रिसीव कर लेगी। जी 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 बिल्कुल। ओके ओके, खुदा हाफिज। आप क्या कर रहे हैं? वो मेरी फ्रांस वाली खाला ना, जिनका तुम जिक्र कर रही थी, उनका फोन आया है। अच्छा, तो क्या गमलों से फोन सुन रहे थे? अरे नहीं, वो फोन तो अंदर आया था, मैं तो बस गमले को पानी दे रहा था। लेकिन गमले तो सारे खुश्क हैं, पानी कहाँ दे रहे हैं? अबे आलिया, तुम बाल की खाल क्यों खींचती हो? मैं गमलों को पानी नहीं दे रहा था, मैं तो बल्कि गमलों को पानी देने का ना इरादा कर रहा था। और हाँ, मेरी बात सुनो, तुम वैसे करना कि तुम और गुलामू जो है ना वो खाला को रिसीव कर लेना, मेरी उनसे बात हो गई है। और एक बात बड़े ध्यान से सुनो, मेरी खाला मैंने तुम्हें बताया था ना कि अरबपति हैं, हाँ अगर तुम उनकी खिदमत करोगी ना तो वसीयत में सबसे ज़्यादा दौलत जो है ना वो हमारे हिस्से में आएगी, इसलिए तुम जरा ना उनकी खिदमत शिदमत करना और उनको रिसीव कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुने ना, मैं ना उन्हें रिसीव करने नहीं जाऊँगी, मैं नौकर को भेज दूँगी, घर को मैं ठीक ठाक कर दूँगी, साफ सुथरा, उनके लिए अच्छा सा खाना पका दूँगी। तुम गुलामों को भेजोगी? हाँ। तो फिर तुम गुलामों को अच्छी तरह समझा देना। तो आप मुझे उनका हुलिया बता देना, मैं समझा दूंगी उसे। चलो मैं तुम बताता हूँ, इधर आओ मेरे पास। गुलामों, मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा जी, आप बताएं। जी मैं सुन रहा हूँ। कादर मियाना है, बातें तेज तेज करती है, चश्मा लगाती है, और नाम है जुबैदा बेगम। अच्छा अच्छा अच्छा, कादर मियाना अपना बातें तेज तेज करती है, चश्मा लगाती है जी, और नाम है, मेरा ख्याल है कि नाम है हमीदा। ओहो,
हमीदा बेगम नहीं, जुबैदा बेगम। अच्छा अच्छा, वो बेगम साहिबा नाम में क्या रखा है? आप देखे ना, जुबैदा हो या हमीदा, मेरा मतलब है कि फूल फूल ही होता है, उसे उसका कोई भी नाम ले ले आप। फूल नहीं है वो, अमजद की खाला है। अच्छा अच्छा, करोड़पति खाला, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मर गई तो सारा कुछ हमें मिल जाएगा। बेगम साहिबा जी, आपने मुझे कुछ कहा? तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें भी बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारी भी मौजें होने वाली है। वैसे बेगम साहिबा जी, मेरी बात सुने, मेरे बजाय आप चली जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए कि मैंने तो उनको देखा ही नहीं होगा जी पहले। तो मैंने कौन सा उन्हें देख रखा है, हुलिया बता दिया है तुम्हें, बस वो याद रखना। ठीक है, कद दरमियाना, चश्मे लगाए हुए हैं, बातें तेज तेज करती हैं, और नाम है हमीदा। वो नहीं हो बेड़ा गर्क, हमीदा नहीं, जुबैदा जुबैदा जुबैदा। मर गया कद दरमियाना, चश्मा तेज तेज बोलती है, और नाम है उसका हमीदा। वो हमीदा नहीं, जुबैदा जुबैदा। आ, मेरे मौला करीम, मैं ये जुबैदा कहाँ से टूट के लाऊं, क्या करूं मैं? अरे क्या करना है, मेरी तरफ देख, कद दरमियाना है ना? हाँ जी। चश्मा भी लगा है आंखों पर? हाँ जी बिल्कुल लगा है। 33 बोलती हूँ। हाँ जी 33 बोलती है। और मेरा नाम भी जुबैदा है। है आपका नाम जुबैदा? ओए मेरे अल्लाह, मैं ऐसे पागलों की तरह घूम घूम के आ गया, लारी अड्डे मैं गया, स्टेशन मैं गया, एयरपोर्ट पे मैं चक्कर लगा के आया, मैं तो फावा हो गया, थक हार गया। अच्छा मेरी बात सुने, आपकी बहू ने मुझे घुमा घुमा के पागल कर दिया, तो वो आपका इंतजार कर रही है, आप आए। अमजद कह रहे थे कि बेहिसाब बैंक बैलेंस है उनका, कराची लाहौर में कई कोठियां थी, उनके मियां की ना अफ्रीका में सोने की कान थी, घर में उनके सोने के बर्तन है, सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं ये लोग। अब तो खाला यहाँ पर आ रही है, अब तो इस घर में सारे के सारे सोने के बर्तन हो गए। भाई औलाद तो उनकी कोई है नहीं, ले दे कि अमजद ही तो एक भांजी है, सारा कुछ अमजद का होगा, और अमजद चुके मेरे, इसलिए सारा कुछ किस्मत मेरा होगा। अल्लाह करे कि खाला जल्दी मरे और इस बहाने सब कुछ अमजद को मिलेगा, और अमजद भाई के वसीले से सब कुछ तुम्हारा होगा, और जब दौलत की बारिश तुम्हारे घर में होगी तो फुहार तो हमारे घर भी आएगी ना। आखिर को मैं तुम्हारी अच्छी सहेली हूँ ना। सहेली क्यों, तुम मेरी बहन हो, दौलत की चर्बी मेरी आंखों को अंधा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगी जो सिकंदर ने राजा पौरस के साथ किया। आए हाय, क्या किया था सिकंदर ने राजा पौरस के साथ? उसे उसकी सल्तनत वापस कर दी थी, लेकिन मेरे पास तो कोई सल्तनत नहीं है। ओहो बेवकूफ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। अरे बेटी क्या बताऊं, ये जहाज वाले भी बड़े भुलक्कड़ होते हैं, सामान एक जहाज में रख दिया, मुझे दूसरे जहाज में बिठा दिया, कहते हैं आप चलिए आपके पीछे पीछे सामान आ जाएगा। अच्छा अब कोई बात नहीं खाला जान, आपका अपना घर है, सारा सामान आपका है। हाँ ये तो है, आइए। वो कौन है जी आप, और अंदर ऐसे ही बला इजाजत मुंह चौक के अंदर आ गए हैं, आप बाहर खलोते? वो एक एयरपोर्ट से खातून आई है। है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो कद चोटा काले चश्मे वाली खाला से बैठा। हाँ ये उनका सामान है, उनको दे। अच्छा जी, वो मर क्यों है, बिच की दे, ये तो बहुत भारी है। तुम इस घर के नौकर हो? हाँ जी। खासे बेवकूफ हो। क्यों? मुझे क्या पता इसमें क्या, मैं तो एयरपोर्ट से लेके सीधा यहाँ आ रहा हूँ, जाओ उनको दे दो। हाँ जी ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 16 ने सही है जी। गल करके मेरे सीने चाक दे पांबड़ बाल देते नहीं जालमा। चलो खाला जान आप आराम से बैठे, बिल्कुल अपना घर समझ। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ मैं। अरे ये तस्वीर किसकी है? ये खाला जान अमजद की। बाबा अमजद की तो नहीं है, ये मेरे अमजू की तस्वीर है, मैं प्यार से अमजू कहती थी। आहा अल्लाह बख्शी अमजद की वालदा को। हैं खाला जान, अमजद की वालदा मेरी सास मर गई? हाँ 20 साल हुए उसे मरे हुए तो। नहीं खाला जान, अभी तो पिछले हफ्ते वो आई हो। क्या हो गया, अमजद की वो सतेली माँ है, और देखना मेरी बहन तो कब की अल्लाह को प्यारी हो गई। कितने चला के अमजद, मुझे अभी तक
बताया ही नहीं, अब भी फोन करके मैं पता करती हूं। ना बेटी ना, मुझे तुम्हारे नौकर ने सब बता दिया है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, इसीलिए नहीं बताया होगा। वो तो तेरा दीवाना है। जब तेरी शादी का जेवर बंधा था ना मेरे पास, तो फोन भी एक ही बात कहता था, जुबैदा खाला जेवर बहुत अच्छा होना चाहिए, जुबैदा खाला जेवर बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने सारा जेवर खुद अपने हाथों से बनाया था, लेकिन फिर भी एक चीज रह गई। क्या खाला जा? ये देख मैं लेकर आई हूँ तेरा हार। बारिश तुम पे भी पड़ेगी, फुहार पड़ेगी। मैंने तुमको तो कह दिया था कि ये हार मैं खुद अपने हाथ से दुल्हन को पहनाऊंगी। इधर आ, मैं तुझे पहनाती हूँ, ये देख के। अपना खाला जी, ये एयरपोर्ट से बंदा है आपका आगे सामान दे गया। आ गया? थैंक गॉड, थैंक। मैं तो घबरा रही थी कि अगर जहाज वालों ने ये सामान चेक कर लिया तो मुझे देखकर भी होश ही ना हो जाए। और ना तो खाला जी, इसमें आपने रखा हुआ क्या है? मेरा तो लक दूरा हो गया जी। चुक चुक चुक, कितने बार तुम्हें कहा है बीच में ना बोला करो। ओ मैं बीच में कब बोला हूँ जी, मैं तो बाद में बोला हूँ। जाओ जाके अपने काम करो भाई, वो देखो फोन। अच्छा चलो चलो चलो। मुझे ये तो बताओ, तुम्हें पता होगा कि सोने का आजकल भाव क्या है? बारिश होने वाली है। अरे ये क्या कहती है, बारिश होने वाली है? अरे कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। हेलो जी, जी साहब जी। अच्छा 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 अच्छा। ओ नहीं नहीं साहब जी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें जी, मैं इंशाल्लाह जो भी करूंगा बिल्कुल ठीक करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी साहब जी, बिल्कुल ठीक है साहब जी। साहब जी बड़ी मेहरबानी जी, आपने मेरी बात का यकीन किया जी, वरना लोग तो मुझे सर जी बेवकूफ ही समझते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है साहब जी, बिल्कुल ठीक है। बस इतना ही काफी है। लंदन में लाख मुझे डॉक्टरों ने कहा अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल करो, लेकिन बेटी तुम्हें तो पता है मैं पुरानी औरत हूँ, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन अंग्रेजी दवाई इस्तेमाल करने का शौक नहीं दिया। तो ठीक है ना खाला जान, अब अंग्रेजी दवाइयों में रखा ही क्या है, एक बीमारी के लिए दवाई लो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। हाँ, ये तो है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ऐसे करो कि नौकर को जल्दी से भेज दो। अरे मेहरबानी, अरे थैंक यू, शुक्रिया। और जल्दी से दोनों तैयार हो जाओ, मैं आज ही ज्वेलर के पास जाऊंगी और अभी जाऊंगी तुम्हारी दोनों की ज्वेलरी बनवाने के लिए। ठीक है, अपनी मर्जी से बनवाऊंगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे वेट ना करना पड़े। कैसी फरिश्ता सीरत है तुम्हारी खाला। मेरी खाला नहीं, अमजद की खाला, मेरी तो बिल्कुल माँ जैसी है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, कितने प्यार से कह रही थी तुम्हारे लिए भी ज्वेलरी बनवा दूंगी। देखो ना कितनी फरिश्ता सीरत है, आजकल तो कोई अपनों को गले नहीं लगाता, इन्होंने तुम्हें भी गले लगा लिया। अच्छा वो मेडिसिन तो मंगवा लो। हाँ बस मैं ना अभी जाती हूँ और गुलामों से कहती हूँ कि देसी दवाइयाँ ले आए, और तुम एक मिनट में तैयार हो, क्या देर ना लगाना, ज्वेलरी ज्वेलरी समझ रही, जाओ ना। मैं यू गई, यू आई ज्वेलरी। और हाँ मेरी बात सुनो, तुम वैसे करना कि तुम और गुलामू जो है ना वो खाला को रिसीव कर लेना, मेरी उनसे बात हो गई है। और एक बात बड़े ध्यान से सुनो, मेरी खाला मैंने तुम्हें बताया था ना कि अरबपति हैं, हाँ अगर तुम उनकी खिदमत करोगी ना तो वसीयत में सबसे ज्यादा दौलत जो है ना वो हमारे हिस्से में आएगी, इसलिए तुम जरा ना उनकी खिदमत शिदमत करना और उनको रिसीव कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुने ना मैं ना उन्हें रिसीव करना नहीं जाऊंगी, मैं नौकर को भेज दूंगी, घर को मैं ठीक ठाक कर दूंगी, साफ सुथरा, उनके लिए अच्छा सा खाना पका दूंगी। जी बेगम साहिबा जी, खैर ये लो और अकबरी मंडी से ये जड़ी बूटियां ले आओ फौरन से जाके। जड़ी बूटियां? हाँ हमने क्या करनी है? ओहो खाला जान की दवाइयां भाई, तो दुनिया चांद पे पहुंच गई है और खाला जी अभी तक जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं जी। तो तुम फजूल बकवास बड़ी करते हो, जाओ ना जाके लेके आओ। अच्छा बेगम साहिबा जी, ये ना मेरी बात सुने, मुझे पैसे दे दे, वरना जड़ी बूटियों वाले पता क्या करते हैं, मेरे जैसे सादा बंदों से ना ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं। और जो सुबह तुम्हें 1000 का नोट दिया उसमें से खर्च कर लो ना, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा जी भाई, मेरी जिंदगी में सिर्फ एक औरत है
थी और रहेगी और वो औरत है मेरी बीवी आलिया, क्योंकि तुम दुनिया में सिर्फ एक हो, बाकी अल्लाह ताला ने कोई और नहीं तुम्हारी जैसी बेची। अच्छा, और कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सीधा 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 यहाँ पे आना है, फ्रांस नहीं जाना है। फ्रांस? हाँ। भाई मैं फ्रांस क्यों जाने लगा? मैंने सुना आपकी खाला रहती है फ्रांस। रहती तो है, तुम्हें बता दी मेरी वो खाला बहुत ही अच्छी और बहुत ही अमीर है, इतनी सादा कि उनको देखकर अंदाजा ही नहीं होता कि उनको बस इतनी दौलत है, और दौलत इतनी बेइंतहा नो अंदाजा। बेगम साहबा जी, हाँ? ये देखे जी कौन आया है। किसका बच्चा उठा लाए हो? बेगम साहबा जी ये बच्चा नहीं है, मुझसे 2 साल बड़ा है और मेरे चाचे का पुत्र है, पिंड से आया। बेगम साहबा जी मैं चिड़ियाघर देखने आया हूँ पिंड से लाहौर, मुझे चिड़ियाघर देखने का बड़ा शौक है। बेगम साहबा जी लेकिन आज मैं कुश्ती देखने जा रहा हूँ, खड़े में मुझे कुश्ती लड़ने का बड़ा शौक है। ओ पहलवान जी, ओ मैं क्या बादशाह हूँ, आए मेरे साथ, मैं आपको अखाड़े में छोड़ रहा हूँ। चलो, चलो। मैंने आगे भांडे भी धोने हैं, सारी देरकियां काली पड़ी हैं, आए मेरे साथ। बिस्मिल्लाह, खैर हो आपकी। हाँ आ गई तो इतनी अच्छी लग रही है, देखने दो तुम्हारा भी बहुत अच्छा, जल्दी करो कि राधे ही ना बदल जाए। अरे चंदे आफताब, चंदे महताब, बिल्कुल सूरज चांद की तरह दिखाई दे रही हो। अरे कितनी खुशकिस्मत है तुम्हारे हस्बैंड जिनको इतनी अच्छी बीवियां मिली हैं, जिन्हें देखकर सूरज और चांद शर्माते हैं। अरे जल्दी से बक्स उठाओ, इधर रखो, बड़ी अच्छी बच्चियां हैं माशाल्लाह। इधर रखो और मेरी बात सुनो, मैं बाथरूम तक जा रही हूँ, इसको खोलो और सिर्फ एक सोने की ईंट निकाल ली है, बाकी फिर से। ओह माय गॉड, मैं भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मिठाई बनवा कर लाई थी। नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये देखो तो सही, इतनी मजेदार है ये पहले खा लो ना, क्या हो गया है? नो 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 फैट, नो फैट्स, खाओ ना। आपने खाया ना? नहीं मैं खा कर आई हूँ, ये लो ना थोड़ी सी और, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ना, और खिलाती हूँ और खिलाती हूँ बस। अच्छा मैं अभी आ रही हूँ। क्या है वो आपको बाहर को मिलने वाला है? कौन? पुलिस। एक बात बताओ लामू जी, तुम्हें कैसे पता चला कि खाला फ्रॉडन थी? वो बेगम साहबा जी, मुझे आया था साहब का लंदन से टेलीफोन, उन्होंने कहा कि हमारी खाला नहीं आ रही, उनका प्रोग्राम हो गया कैंसिल, तो खाला वापस चली गई है, और ये खाला यूके नहीं है, ये खाला फ्रॉडन है, इसलिए मैं समझ गया कि क्यों ना मैं जाके थाने रबड़ दर्ज कराऊं और इनको पकड़ाऊं, और ये अगर मैं ना जाता थाने तो इन्होंने तो माँ बेटा ने हमें लूट को सूट के चिट्टे दिन चले जाना था, अब जरा जेल की हवा खाए ना दोनों माँ और बेटा लग समझ जाएगी। आज पता चला गुलामों के तुम अकलमंद और हम बेवकूफ, और खाला और उसका बेटा डैम फूल। डैम फूल नहीं, मेम फूल।